हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं? रमज़ान सबको मुबारक हो। और अब तो ईद की तैयारियाँ चल रही होंगी जी। हमने जी मैं भी ईद की तैयारी कर रही हूँ, और ईद की तैयारी के साथ साथ थोड़ा सा होम टूर के लिए, घर के लिए मैं थोड़ा सा डेकोर के लिए और फर्नीचर वगैरह हम परचेज कर रहे हैं। कुछ यू नो, ये भी ईद की तैयारियों में ही शामिल होता है। सो मैं फर्नीचर शॉप पर आई हुई थी और देख रही थी कि सोफ़ाज़ वगैरह रह गए थे कुछ चीज़ें, और जो अच्छी सी लगें तो मैंने कहा मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है पहले बेड्स वगैरह ले लिए थे, आपको दिखाए थे मैंने पहले भी वीडियोस में, और यहाँ पर अब मैं सोफ़ा लेने आई हूँ। और आप वीडियो को लाइक करें और फिर मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी मैंने कौन सा सोफ़ा लिया है, और आप भी बताइएगा आपको वो कैसे लगे हैं। ठीक है, आप वीडियो देखें और मैं आपको साथ साथ गाइड करती हूँ। और यहाँ पर ये जो बेड लगे थे ये बहुत ही ज़बरदस्त थे, और फर्नीचर बहुत ज़बरदस्त था, बहुत यूनिक डिज़ाइंस थे, बहुत खूबसूरत थे डिज़ाइंस। और आगे आप चलें, मैं आपको दिखाती हूँ, चल वीडियो देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लास्ट बट नॉट इन द लीस्ट मुझे आ गई थी अब यहाँ पर पेमेंट की बारी। सो पेमेंट के लिए हम ऑनर का वेट कर रहे थे। मुझे ये वाले जो सोफ़ाज़ हैं जो मेरे सामने बिल्कुल हैं, ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और इनको चेस्टर सोफ़ा कहते हैं। और जो कलर है वो भी मेरे फर्नीचर के साथ जो मेरे घर में है, बेड्स वगैरह, उनके साथ भी मैच हो रहा था, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैं इसके लिए जो है वेट कर रही थी कि यहाँ पर कब ऑनर आए, उनको पेमेंट करें और इसको घर लेके जाएं। सो मैं ये वेट कर रही हूँ, और साथ साथ आप भी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंजॉय करें। तुझे यार अज मेरी गलियां, बस आऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां, बस आऊं तेरे संग।
सो एट लास्ट जो है वेट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा तो हमने ये सोफ़ा जो है घर लेके जाने लगे हैं और इसको कैरिज वगैरह में करवाने लगे, और मैं आपको सारा दिखाऊंगी कि किस तरह घर लेके आए हैं और क्या क्या ट्रबल आई है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये घर लेके आ चुके हैं और घर लाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी से आए थे ऊपर, ये आपको इतनी ईजीली जो मालूम हो रहे हैं क्योंकि कुछ स्टेयर्स में जो हैं वो सोफ़ा जो हैं काफ़ी हैवी थे तो ये नहीं आए, तो इनको सोफ़ाज़ को जो है ना अपर साइड से ऊपर छत की तरफ से घर के अंदर लेके आए थे और फिर भी ये स्टेयर्स में अटक गए। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, मैंने ये सोफ़ाज़ जो हैं 85,000 के लिए हैं और अब मेरे पास समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह एडजस्ट करूँ, तो मैं एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी और बहुत ज़्यादा एक टेंशन क्रिएट हो गई थी कि अब क्या करें और किस तरह करें और किस तरह ना करें। फिर जी किसी ने हमें जो सोफ़ा को लेकर आए थे ना कैरिज करके लिए, तो उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि आप ये जो है ना अपनी स्टेयर्स का ये थोड़ा सा आप उतार लेंगे और दोबारा भी लग जाता है, तो खैर एनीवेज़ और फिर जो है सोफ़ा ईजीली नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जो स्टेयर्स की जो स्टील रेलिंग है फिर हमने इसको कट करवाई और कट करवाने के बाद एटलीस्ट हम इसको अपने रूम में लेकर आ गए हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि शुक्र है कि अल्लाह का लाख लाख के सोफ़ा जो है जहाँ मैंने रूम में रखने थे वो एडजस्ट हो गए हैं। सो मैंने कहा आपको लास्ट जो है ये टूर दिखा दूँगी, थैंक गॉड मैंने जो है ये जो सोफ़ाज हैं जो अपने रूम में एडजस्ट कर लिए हैं। सो ये बच्चों के थोड़ा सा एक्सबॉक्स वगैरह पड़ा हुआ है, मैस हुआ है, लेकिन काफ़ी दिनों से ही मैं आपको वीडियो दिखाना चाह रही थी, सो एटलीस्ट जो है मैंने सोफ़ा रख लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये मैंने आपको लास्ट में ना ये मिरर भी दिखाना था, इस पर मैंने लाइट लगाई थी क्योंकि अभी कुछ कुछ डेकोर हो रहा है, अभी ऐसा ऐसा जो माइंड में आता है वो साथ साथ न्यू करते रहती हैं, तो मैंने ये जो मिरर इस तरह लाइटिंग वाले चले हुए हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेरा ये था कि मैं इसको ख़ुद लगाना चाह रही थी कि मैं ख़ुद इसको जो है डिज़ाइन करूँ। सो ये मैंने खुद जो है लाइट्स खुद लगाई थी, ये देखें इस तरह की वायर होती हैं, जस्ट वायर बिल्कुल बारीक सा होता है, इसके ऊपर पीछे पेपर होता है, उसको आप उतारते रहेंगे और अपने मिरर पे लगाते रहें, और साथ ही इसका अडोप्टर और एक स्विच होता है, ये मैं आपको दिखा दूँ, देखें मैंने ये सारे सर्कल पे जो है ना बेड के सर्कल मिरर के साइड्स पे लगा दिया था, और ये स्विच और ये अडोप्टर है, इसको आप ईजीली खुद भी घर में ईजीली अवेल कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।